95 FM तड़का के आरजे समीर को कि वे सवाल जवाब करेंगे और आपके कोई प्रश्न तो आप भी प्रश्न कर सकते हैं। राधे राधे, मैं यहाँ पे समीर 95 FM तड़का में आज सुनते हैं मुझे सर साहब। और सबसे पहले तो काबिले तारीफ के नाते, तो जब मैं देख रहा था तो मेरे ख्याल से आपने आज बहुतों की आंखें नम कर दी। मतलब एक पेरेंट्स और बच्चे के बीच का जो रिलेशन है कि कैसे पेरेंट्स को छोड़कर बच्चे अपने करियर के पीछे चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, कभी पेरेंट्स को देखते नहीं है। और इसमें यह भी कि एक इंसान किस तरह से अकेला पड़ जाता है, ठीक है, और उससे कोई बातचीत करने वाला नहीं होता, लेकिन अचानक कोई ऐसी रोशनी उसकी ज़िंदगी में आती है कि वो तय करता है कि नहीं, मुझे जीना चाहिए। तो इस नाटक का हैप्पी एंडिंग हुआ, अगर इस नाटक का दुखद इस एंडिंग दिया जाता तो शायद और दुखी मन से इसे याद तो करते लोग लेकिन बहुत दुखी हो जाते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस नाटक का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप चाहे किसी भी हालत में रहें, आपको जिंदगी मिली है, एक ही जिंदगी बड़ी खूबसूरत है और इसको बड़ी खूबसूरती से और बड़े जोश और जुनून के साथ जीना चाहिए। तिवारी जी की एक्टिंग आपने यहाँ पर देखी, राघव तिवारी, ये इस नाटक के डायरेक्टर साहब हैं राघव तिवारी जी, और जिन्होंने पिता का रोल प्ले किया, मोहित के पिता का रोल, और ऋतुपन जो उनके फ्रेंड, काबिल तारीफ एक्टिंग, तो सभी की इस एक्टिंग और यहाँ पर काम काबिल तारीफ रहा है। आप इसे कोई सवाल करना चाहे अगर उससे पहले जी मैं पहली बार ये अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन में पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी मेरी मम्मी यहाँ पर